जनपद संभल के चंदोसी में यातायात नियमों को जागरूक करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा नगर के स्कूलों की छात्राओं और महिलाओं को साथ लेकर स्कूटर रैली निकाली गई। इस रैली में महिलाएं सिर पर हेलमेट लगाए संदेश दे रही थी कि हमें यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और उन नियमों को अपनाना चाहिए। शुक्रवार को आयोजित यातायात जागरूकता रैली का ARTO संभल समाज सेवी संगीता भार्गव यातायात निरीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यातायात जागरूकता रैली निकालने से पूर्व रैली में शामिल महिलाओं को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। इस मौके पर ARTO संभल यातायात निरीक्षक मलिक शिव बनिया ठेर और यातायात पुलिस के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर ARTO संभल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यातायात नियमों को हम सबको पालन करना चाहिए और हेलमेट लगाकर ही यात्रा करनी चाहिए। यह आम जनमानस के लिए सुरक्षात्मक है और हम सबको इसे अपनाना चाहिए। समाज सेवी संगीता भार्गव ने कहा कि यातायात नियमों को जागरूक करने के लिए महिलाओं को साथ लेकर यह रैली निकाली गई है, जिससे कि आम जनमानस में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता हो और लोग इसका कड़ाई से पालन कर सके। ये बाइक स्कूटी रैली छात्राओं द्वारा निकाली जा रही है, जो सभी स्कूलों की शिक्षिकाएं हैं, जो संदेश देंगे कि हेलमेट लगा के ही आपको स्कूटी या मोटरसाइकिल पे निकलना है। पूरा एक्चुअली ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि 21 जनवरी से 20 फरवरी 2021 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसमें पूरे माह भर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ की हैं। पब्लिक में यातायात नियमों के अनुपालन के हेतु अवेयरनेस कार्यक्रम के तौर पर चलाने के लिए, इसी में आज हम लोगों ने महिलाओं और लड़कियों की हमने स्कूटी रैली यातायात जागरूकता के लिए निकाली है। उसमें बच्चों को जो आए हैं उनको हेलमेट भी दे रहे हैं, जिनके पास है उनके अलावा जिनके पास नहीं तो हेलमेट दे रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो महिलाएं और लड़कियाँ पढ़ाई के लिए बाहर निकलती हैं और उनकी भी सुरक्षा उतनी ही जरूरी जितने अन्य लोगों की, तो ये जागरूकता है महिलाओं में विशेष तौर पर और पब्लिक में यातायात लोगों के लिए जागरूकता है।